हाँ, प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल जो रियल स्टेट ट्रेनिंग और रियल स्टेट में एक्सपर्ट एडवाइस देने का काम करता है, मैं आपका स्वागत है और मैं हूँ राजवंत सिंह मोहाली, रियल स्टेट मेंटर, रियल स्टेट बुक्स का ऑथर एंड मोटिवेशन स्पीकर। आज का जो टॉपिक है मैंने परिवर्तन को लेके बनाया। जितना भी आदमी बड़ा हो छोटा हो उसकी ज़िंदगी में परिवर्तन होने ही होने हैं। पहले बचपन से मैंने ये लिखा, बचपन से आपका बचपन है, फिर जवानी है, फिर बुढ़ापा है। पहले आपके मुंह में दांत नहीं होते जब छोटे बच्चे होते हो, चल नहीं सकते, उसके बाद धीरे धीरे चेंज होती है। तो हम जवानी की तरफ चलते हैं, फिर बुढ़ापे की तरफ चलते हैं। इट इज़ लॉ ऑफ नेचर, ये कुदरत का कानून है, ये आप कुछ नहीं कर सकते। चेंज बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। उसके बाद चार मौसम है हमारे, कभी पतझड़ आ गई, कभी सर्दी आ गई, कभी गर्मी आ गई, कभी बरसात आ गई, कभी कुछ आ गया। तो ये इसका मतलब ये है कि ये कुदरत ने ऐसा सिस्टम बनाया कि आपकी ज़िंदगी में चेंज बहुत ज़रूरी है। पंजाब में पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी और सूरज निकला ही नहीं। 15-20 दिन हम अंदर बैठे बैठे डिप्रेशन में आने वाले हो गए थे, लेकिन कुदरत का जो नियम है, कुदरत का लॉ ऑफ नेचर है, ये अपने आप काम करता है। उसके बाद सर्दी खत्म हुई, धूप निकलनी शुरू हुई, धूप निकलने से सब बंदों ने रिलीफ महसूस किया। उसके बाद यदि हम पकवान की बात करें, हम खाना हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। जो भी आपको सब्जी पसंद है, किसी को नॉन वेज पसंद है, किसी को बटर पसंद है, किसी को पनीर पसंद है, किसी को कोई चीज़ पसंद है, किसी को मीठा, क्या आप एक ही चीज़ पूरी उम्र खा सकते हो? जवाब ना में होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको चेंज ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आपको एक सुअर की कहानी सुनाता हूँ। सुअर की कहानी क्या है? किसी देवते को विष्णु जी ने श्राप दे दिया कि तुमने गलत काम कर लिया है, तुमने 12 साल सुअर की जूनी में रहना है, सुअर बनना है। तो 12 साल पूरे होने के बाद जब सुअर को उसकी जूनी से बाहर निकालने का समय आया, तो उन्होंने सुअर को लेने के लिए अपने दूत भेजे, तो सुअर उसमें हाथ बांध कर खड़ा हो गया कि मैं यहीं पर सेटिस्फाइड हूँ, मेरे यहाँ बच्चे हैं, मेरी सूरनी का क्या होगा। तो मतलब ये जहाँ आदमी रहना शुरू करता है वहीं आदमी उसको पसंद करना शुरू कर देता है। जबकि हम सुअर की जो लाइफ है गंदगी में रहता है उसको अच्छा तो नहीं समझते। हमारी नज़र में उसको अपने आप जरूर चेंज करना चाहिए, लेकिन वो चेंज करने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ, इसीलिए ये वीडियो का मकसद यही है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को चेंज ज़रूर करें। यदि आप ये चेंज कर लोगे, क्योंकि विषय में परिवर्तनों का नाम केवल ज़िंदगी। ये मैंने बहुत छोटे, मतलब जब मैं क्लास में पढ़ता था 8वीं 9वीं में, एक कविता पढ़ी थी और अभी तक मेरे दिमाग पर ये छाई हुई है, भाई ज़िंदगी में चेंज बहुत ज़रूरी है। यदि ये सारी चेंज ज़रूरी है तो फिर यहाँ मस्ट चेंज योर इनकम। आपकी इनकम में चेंज क्यों ज़रूरी नहीं भाई? जहाँ आप नौकरी कर रहे हो, जहाँ आप बिजनेस कर रहे हो, दुकानदारी कर रहे हो, कुछ और काम कर रहे हो, तो यदि सब पसे चेंज जरूरी है तो आपकी आमदनी में क्यों जरूरी नहीं है? कोई बंदा 10,000 की नौकरी कर रहा है, कोई 20,000 की नौकरी कर रहा है, कोई हो सकता है सेटिस्फाइड हो, लेकिन जब जिंदगी में चेंज है, जो परिवर्तन है वो कुदरत का कानून है, तो आपकी इनकम के ऊपर क्यों नहीं लागू होता? तो दोस्तों ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये ज़िंदगी में आपके ऊपर लागू होना चाहिए। जब लॉ ऑफ नेचर इस तरीके का बना हुआ है कि इसके बिना अवॉइड ही नहीं किया जा सकता, तो आप भी अपनी इनकम को चेंज की कैटेगरी में लेके आओ। जितनी आपकी इनकम है, यहाँ है तो यहाँ लेके जाओ, यहाँ तो यहाँ लेके जाओ। सो चेंज इज़ मस्ट इन योर लाइफ, मैंने लिखा है, इट इज़ लॉ ऑफ नेचर, नथिंग एल्स। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इसके ऊपर आप ना कमेंट दे सकते हो, अपने कमेंट बॉक्स में जाके किसी नए सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए वो दे सकते हो, अपनी राय रख सकते हो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा देना, ताकि ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। बहुत जल्द मिल रहा हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आपका दोस्त राजवंत सिंह मोहाली, थैंक यू वेरी मच।